सभा में उपस्थित सभापति महोदय, आचार्य महाराज जी और अन्य अन्य त्रिदंडवादगण, श्री विष्णु महाराज जी, अन्य अन्य त्रिदंडवादगण, ब्रह्मचारी बिंद, सत्य मंडली, मत्य मंडली, सब कोई के चरण में मेरा हार्दिक दंडवत नति ज्ञापन करते हुए आज का विषय पर थोड़ा सत्संग प्राप्त करने का प्रयास में लगा हूँ। आई एम जस्ट ऑर्डर्ड टू स्पीक इन हिंदी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सभा, सो एक्सक्यूज मी। गुरुचरण में अनंत दंडवत नति ज्ञापन करते हुए आज का विषय के ऊपर सत्संग का लाभ उठाने का प्रयास। वंदे गुरुपद्द्वंदम भक्तबिंद समन्वितम् श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदितम् श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समायुक्तम बिंदावनम मनोहर वांशाकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयतगिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानन्दमाधवम्। वृंदावई तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्णभक्ति पदे देवी सत्वत्वी नमो नमः। नारायण नमस्कृत नर चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीर संकेतने कृष्ण कथोपदेश गौरीपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमदाख जगोद्वरुण धैयम् सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिव विरंचनुतम् शरण्यम् भीतात्तिहम् पनुतपाल भवद्दीपूतम् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरस सागर सारमूर्ति साराधिका मई कदा कृपां करोषि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सियादैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सियादैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबुदातौ संकेतनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वगुणैस्तत्र समासते सुरः हरो अभक्तस्य कुतो महद्गुणा
मनोरथेन सतो धवतो वहि जस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचन सर्वगुणैस्तत्र समासते सुरः हरो अभक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथेन असतो धवतो वहि। गौरीय गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए, बद्ध जीवों का सामने एक ठो ज्वलंत आदर्श नहीं रहने से बद्ध जीवों का हृदय में भगवत भजन के लिए कोई प्रेरणा नहीं मिलती है। जब तक एक ठो आइडियलिज्म नहीं रहता, आदर्श नहीं रहता, ज्वलंत हालत एक्सेलेंट आदर्श जब तक नहीं रहता, तब तक जब बद्ध जीवों के हृदय में भगवत भजन के लिए कोई प्रेरणा नहीं मिलती है। श्रील प्रभुपाद जी ने अक्सर कहते थे, एक बद्ध जीवों को महामाया का कारागार से बाहर निकलकर ठाकुर जी का चरण में पहुंचा देना, वार ए काइंड ऑफ एक्सेलेंट जॉब इट इज़, कितना बड़ा सेवा है, वही आम आदमी समझ नहीं पाता। एक बद्ध जीवों को महामाया का कारागार से मुक्त कर उसको भगवत चरण में नित्य सेवा में पहुंचा देने का मापिक जो इतना बड़ा सेवा, आश्चर्य सेवा, इसका कीमत साधारण आदमी कोई समझते नहीं। गुरु वैष्णव का महिमा भागवत में बहुत सुंदर है, जो शुरू भी किया वो भी भागवत से है। भागवत में वर्णन है, सत्संगो प्राप्ति पुंगीर बहुवीर शक्ति सुकृति पूर्व संचितई, बहु बहु सौभाग्य, बहु बहु पूर्व सुकृति संचित होने का बाद ठाकुर जी का इच्छा से सत्संग प्राप्त होने का एक व्यवस्था हो जाता। सत्संग मिलने के लिए मनी पावर, मैन पावर, ये सफिशिएंट नहीं है। कोई आदमी ये सोचता कि महाराज मनी पावर है तो साधु संग मिल ही जाएगा, नॉट दैट। तुलसीदास जी ने भी सुंदर बताए, बिनु सत्संग तरई न कोई, फिर उसका बाद राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ठाकुर जी का अनुमोदन नहीं है तो सत्संग मिलना बहुत मुश्किल। बलदाव जी महाराज आकर गुरु तत्व रसिक भक्तों के लिए तो और ऊपर जाना पड़े। बलदाव जी महाराज आकर गुरु तत्व साधु गुरु वैष्णव का रूप पकड़ कर धारण करके इस जगत में विचरण करते हैं। साधु गुरु वैष्णव एक्चुअली मूल तत्व में एक अखंड तत्व है। गुरु तत्व वैष्णव तत्व एक अखंड तत्व है। इसको टुकड़ा टुकड़ा करने का जो व्यवस्था है आजकल, ये ठीक नहीं है। और बहुत सारे सुंदर बताए हैं इस जो श्लोक दे के शुरू किए हम, यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वगुणैस्तत्रो समासते सुरः, सर्वगुणैस्तत्रो समासते सुरः। ये जो बताया, एक संत महात्मा का अंदर ठाकुर जी का निवास है। भक्त हृदय सदा गोविंद विश्राम, सबसे बड़ा ये चीज़ है। प्रभुपाद जी खुद बताएं कि हमारा गुरु पाद पद्म परमहंस श्रेष्ठ श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हमको जो आकर्षण किए हैं, बोले चार गुणावली दिखाकर हमको आकर्षण किए हैं, चार एक्सेलेंट गुणावली।
वो चैतन्य महाप्रभु का दिखाया हुआ जो त्रिनाद विष्णु चुनाव त्रव्य सहिष्णु आमानी नमाधुन कीर्तनियो सदा। पोपा जी ने बताएं कि मेरा गुरु पाद पद्म ये चार गुणावली का एक्सेलेंट ज्वलंत आदर्श दिखाकर मेरे को लाइक मैग्नेट हमको आकर्षण करके लाए हैं। पूरा तमाम भागवत में भी देखो भक्तों का महिमा का कीर्तन भक्तो भागवत, यहाँ तक कि भागवत का जो महिमा है भागवत का महिमा से लेकर अंत तक भक्तों का ही महिमा, भागवत में भक्तों का ही महिमा। भक्त छोड़ के भगवान का तत्व तो कंप्लीट नहीं हो पाता। भगवत तत्व तो ये अखंड तत्व तो है, लेकिन ये भगवत तत्व तो बोलने से भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का परिकार, वैशिष्ट्य, भक्त तो सब लेके एक अद्वै ज्ञान तत्व का स्थिति है। एक टुकड़ा टुकड़ा भाव करने से भगवत तत्व अखंडित भागवत तत्व अखंड भागवत तत्व कभी टुकड़ा टुकड़ा हो नहीं पाता, ये संभव नहीं। भगवान ने पंचम स्कंद में भी सुंदर बताए, आप जानते हो एक एक करके बताते चले बहुत समय लगे, समय स्वल्प परिसर है। भागवत का महिमा में भी गोकर्ण जी महाराज का सामने आत्मदेव जी आत्मनिवेदन करके आवरा प्रार्थना किए। आप जानते होंगे धुंधुकारी भी अंतिम समय में क्या है, गोकर्ण जी का चरण में शरणागत होकर बताए मम उद्धरो दया निधे अहम भाता तदीयस्मि धुंधुकारी इति नामतः। कैसे बचाया, भले वही बात जो पंचम स्कंद में देवाहुत जी को महाराज जी बताए थोड़ा देर पहले, सतांग प्रसंग्यात मम वीरज संविदो भवन्ति हितकर्ण रसायन कथा तज्योषनाद आसु अपवर्गवत्मनि सद्या भक्ति रुति रणुक्रमेश्वती। एक्सीलेंटली चैतन्य चरितामृत बताएं कि साधु संग सर्वशास्त्र कहे लवमात्र साधु संगे सर्वसिद्धि होय। ये सर्वसिद्धि का व्याख्या किए भक्तिविनोद ठाकुर प्रभुपाद जी ने, सर्वसिद्धि होय मतलब कृष्ण प्रेम सुदुर्लभ जो कृष्ण प्रेम ये भी मिल जाए, जो अनंत ब्रह्मांड में सबसे मूल्यवान चीज है कृष्ण प्रीति कृष्ण प्रेम, सब मिल जाए ये मिलेगा नहीं, ये मिलना बहुत मुश्किल है। और ऋषभ देव जी अपना इतना 100 पुत्रों का सामने भी सुंदर बताए जेवा मयीषे कित सौहृदार्ता जौनेशु देहांतर वार्तिकेशु गेहेशु जयात्मजराति मत्सु न प्रीति युक्ता यवदार्थाश्च लोके। भगवान का ऊपर प्रीति नॉट ए मैटर ऑफ जोक, भगवान को भक्तों को प्यार करना ये जब तक माया का पर्दा रहे भक्तों का स्वरूप भगवान का स्वरूप कभी भी उन्मोचित हो नहीं सकता किसी भी हालत से। जितना विद्वान हो जितना अर्थवान हो जितना लघुबल लघुबल के स्वार्थ और विराजमान हो, जब तक साधु की पा ना हो जाए, ये चैतन्य महाप्रभु भी बार बार ये बताएं। देखो जब किसी को देखना जिसका अंदर में भक्ति है कृष्ण प्रेम है तो उसको जरूर खरीद लेना, तत्र मूल्यमोपी लौल्यमोपी मूल्यमेकलम जन्म कोटि सुकृतरी न लभ्यते, किसी भी हाथ से मिलने वाला नहीं है। गोकर्ण जी महाराज भी
अपना पिता आत्मदेव जी को बताएं, धर्मम भजस्व सततम तेजलोक धर्माण सेवस्व सदपुरुषाण जही काम तिष्णाम। पिताजी को बताएं, देखिए धर्मम भजस्व सततम तेजलोक धर्माण, इस जगत में धर्मों का रूप में बहुत सारे औपाधिक धर्म चल रहे हैं, सामाजिक धर्मों, देहो धर्म, मनोधर्मों, तमाम दुनिया का धर्मों का एक सम्मेलन हो रहा है, लेकिन उसमें अगर चुनावट हो तो एक्सेलेंट एक ही चीज़ है, वो उसका नाम है भागवत धर्म, जिसको बताया कि आत्मधर्म, जिसको बताया गया जैव धर्म। जब तक आत्मधर्मों का रास्ते पे ना चले कोई, मंगल का रास्ता किसी भी हालत से खुलेगा नहीं। और भगवत तत्व विज्ञान कभी भी अपना चेष्टा से हो नहीं सकता, अपना प्रयास प्रचेष्टा से भगवत भक्ति हो गया, नोबडी कैन शो इट। तमाम प्रचेष्टा किया, बड़ा विद्वान है, बड़ा अर्थवान है, हो गया। जब भी प्रहलाद महाराज जी ने बार बार बताया वो सामने, नौते विदु स्वार्थ गतिम ही विद, वो लोग कुछ जानता ही नहीं, क्या सिखाएगा हमको, ये लोगों को मालूम ही नहीं है भागवत तत्व विज्ञान मुक्त संघर्ष पर्यायति। भागवत तत्व विज्ञान आपका मानी पावर से, मैन पावर से मिल नहीं सकता, बड़ा रेयर चीज़ है, अनंत ब्रह्मांड में बड़ा रेयर चीज़ है। जब ही आत्मजीव जी को गोकर्ण जी महाराज महाभागवत, तभी भागवत बताया, जो भागवत है स्वयं वो ही भागवत का अर्थ जानते हैं। धर्मम भजस्व सततम तेजलोक धर्माण, भागवत धर्मों का जाजन करो, इसमें एक वचन, तेजलोक धर्माण इसमें बहुवचन, लोक धर्माण में जो हमने बताए वो। और सेवस्व साधु पुरुषाण, जो साधु पुरुष है, साधु कौन है इसका बड़ा व्याख्या, वो तो समय नहीं है, साधु का महिमा आज का टॉपिक्स है। मोह सेवादार माहू विमुक्ते त्वमो द्वारम जसितम संगी संगम, यही वही पंचम स्कंध में, महत् सेवादार माहू विमुक्ते, माहू माने इट इज कॉल्ड द साधु संगा इज द वे, गेट वे टू गेट फ्री ऑफ माया, माया का बाहर जाने का ही रास्ता है। आ तमोदारम जोशित संगी संगम, इसलिए बताया नारद जी महाराज का पहला जन्म का जो कहानी, वो भी साधन सिद्ध नारद जी, नित्य सिद्ध नारद जी का बात नहीं, पहले जन्म का कहानी बताया पूर्ववक्ति बक्सा सब। अब देखो, जिसका दिल में अंधेरा है, जिसका चेतना संपूर्ण आवृत हो गया, भक्तिविनोद ठाकुर का भाषा में, भक्तिविनोद ठाकुर का भाषा लैंग्वेज हम यूज करें तो इसमें आता है महाराज, जो लोग अपना जो अहंकार तत्व का सामने, अपना जो चेतना को संपूर्ण बिक्री कर दिया, अंधा हो गया, अहं तत्व का सामने संपूर्ण अपना जो स्वाधीनता सब कोई सब कुछ बलिदान दे दिया, इसके लिए कोई रास्ता नहीं है। जैसे विदुर जी महाराज जी, अंधो धृतराष्ट्र को बचाना बहुत मुश्किल है, कृष्ण सामने है, जब भी वो अंधा है उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा समस्या ही इज ब्लाइंड एट हार्ट, हृदय में अंधेरा, अंधा है हृदय में, नहीं तो कृष्ण विचरण करता है, संभाषण करता है, विदुर जी महाराज भी संग विराजमान हैं, कितना सारे सुविधा है,
लेकिन अंतर में वो अंधेरा है, आँखों में नहीं देखने से कोई समस्या नहीं है। गर्गाचार्य मुनि का सामने हमारा वो जो अंधा, उसका नाम क्या है जो आँखों में, सूरदास जी, ये सूरदास जी ने पहले उस जमाने भी एक था वो जो आँखों में देखता नहीं, गर्गाचार्य मुनि का पास बताएं हमको आँखें दे दो कृपा करके, आप समर्थवान हो तो आँखों देखे हमको कृपा करो। गर्गाचार्य जी बताया आँखों किस लिए जरूरी है, बोले महाराज कृष्ण आविर्भाव हुआ है, कृष्णों को हम देखेंगे, हर आदमी देख रहे हैं हम भी देखेंगे। गर्गाचार्य जी ने बताया कि देखो सच्चा बताओ, आप का हृदय में किसी का अपराकित जो छवि उद्भासित है कि नहीं, आप हृदय में कुछ देख रहे हो कि नहीं, सच्चा बताओ। बोला हाँ देख रहा हूँ, आँखों में देखता नहीं अंदर में देख रहा हूँ, एक सांवरा सा एक सुंदर बालक, एक सांवरा सा सुंदर बालक खेल रहा है। गर्गाचार्य जी बोला हाँ यही, आँखों खुलने का कोई दरकार नहीं, आँखों खुल के देखने का कोई प्रयास प्रचेष्टा मत करो, क्योंकि आँखों हम दे दे उसमें आपका क्या सुविधा होगा, उल्टा असुविधा हो जाए, प्रॉब्लम हो जाएगा, समस्या, क्योंकि ये आँखें दो कि कृष्ण को भी दर्शन करोगे और माया का भी दर्शन करोगे, दोनों दर्शन हो जाएगा। अभी तो आपका अंदर में कृष्ण का दर्शन हो रहा है। विदुर जी महाराज जी, युधिष्ठिर महाराज जी सारे हैं, इतना बड़ा बड़ा संत महात्मा, लेकिन फिर भी अंध धृतराष्ट्र का अंधापन कभी दुर्वृत्त नहीं हो पाया। नाउ अंध धृतराष्ट्र जी आज विदुर जी को फिर से प्राप्त हुआ। विदुर जी उतना सारे तीर्थ अटन पर्यटन करके फिर हस्तिनापुर पहुँचे और अंतिम में अंध धृतराष्ट्र का साथ विदुर जी महाराज का थोड़ा बातचीत भी हो पाए। प्रभुपाद अक्सर कहते थे ये जो मेटेरियली ब्लाइंड व्यक्ति सब है इतना माया में डूबे हुए हैं, हृदय जैसा पत्थर बन गया है। वो तो नरोत्तम ठाकुर कीर्तन करके दैन्य करके बताया, हमारा हृदय पत्थर बन गया। प्रभुपाद जी कहते थे कि एक एक हरि कथा का डिनामाइट चार्ज करना चाहिए, इतना कठोर हो गया हृदय, पाषाण हो गया, हरि कथा का डिनामाइट चार्ज करो, ध्वंस कर दो उसका जो बैरियर है, इम्पेडिमेंट्स है, भगवत तत्व विज्ञान दर्शन नहीं हो रहा है, ठाकुर जी गुरु वैष्णव का स्वरूप का दर्शन नहीं हो रहा है, इसको हटाओ, ये अंधापन को हटाओ, ये कौन कर सकता है, एकमात्र साधु संत। भागवत में दुबो महाराज जी का, प्रहलाद महाराज जी से लेकर तमाम विचार करते चलो, नारद जी महाराज कैसे प्राचीन बर ही उसका जो नाम क्या है वो जो प्रोचेतस, वो जो सबको उसका जो पोचेतस दक्ष, उसका सारे तमाम खानदान को साधु बना दिया, ये संत महात्मा से। और शिवजी महाराज वो जो तपस्या करने के लिए गए, शिवजी महाराज बीच में उठा सरोवर से, कितना सुरवर कितना सुंदर उपदेश दिए, कितना सुंदर उपदेश दिए रुद्र गीता, कितना सुंदर। और यहाँ युधिष्ठिर महाराज है और विदुर जी महाराज आज पहुँचे फिर से तीर्थ पर्यटन करके, और अंध धृतराष्ट्र का सामने एकांत होकर बात कह रहे हैं, राजन आपका जीवितासा बलि, माने इतना जीवित रहने का इतना इच्छा, पीछे आपका मौत खड़ा हुआ है, मृत्यु खड़ा हुआ है आपका पीछे में, पीछे यू कैन नॉट सी, देख नहीं, अंधा बन गए हो, देखो पीछे मृत्यु खड़ा,
आपका जीवित रहने का इतना बड़ा इच्छा है, और जिस खानदान को आप मारने के लिए पंच पांडव को क्या कुछ नहीं किया आपने, आपने अनुमोदन किया तो मतलब आप भी रिस्पॉन्सिबल है, या ना? दार को दूषित किया, गर्दान किया, जदुगृह में जलाने का कोशिश किया, संतों को मारने का बहुत प्रयास प्रचेष्टा किया है। अब उसी भीम का दिया हुआ अब अन्न खा रहे हो, भीम दत्त अन्नम खादत्ते गृहपालवत आदत्ते गृहपालवत। वो भीम का, जिस भीम को आप अंतिम में सब हो जाने का बाद भी हृदय का अंदर में लेके उसको क्रास मारने का कोशिश किए, ये तो ठाकुर जी का शुक्र है कि लोहे का भीम को भेज दिया, नहीं तो उस दिन ही मार डालता, कुचल डालता। लेकिन कृष्ण जिसका पक्ष में है उसको मारना संभव नहीं है। अंध धृतराष्ट्र को उस दिन इतना सुंदर चेतावनी दिए, इतना सुंदर उपदेश दिए, उसका अंदर में जो अंधेरा है उसको इतना धक्का पहुंचा जैसे डिनामाइट चार्ज किया। लज्जित होके उसी रात को चल दिए, बट ठीक ही बताया, हम कुत्ता का माफिक गृहपालवत इस खानदान में भीम का दिया हुआ अन्न खा रहा हूँ, आ इसको कितना नुकसान किया हमने, क्या कुछ नहीं किया, शर्मिंदा होनी चाहिए हमको। आई शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस फैक्टर। उसी रात को पीछे दर्जा से अंध धृतराष्ट्र निकल गया, और पीछे पीछे गांधारी मैया भी चली, और अंतिम में जाकर सहस्रधारा जहाँ हैं हरिद्वार वहाँ पहुँचे, और भगवत चरण में मनोनिवेश किए। उसका बाद अपना शरीर को जोगाग्नि के द्वारा छोड़ दिए। ऐसा करके विदुर जी महाराज उसको रास्ता दिखाए। आज युधिष्ठिर महाराज जब विदुर जी महाराज पहुँचे तो बताए, भवत विदा भगवतहा तीर्थभूता स्वयं विभो प्रभु तीर्थि कुर्वंती तीर्थानि शांतस्तेन गदाभृतः। समय स्वल्प परिसर है, बता नहीं पाए, जेबा महिषे पर श्लोक बताया और उपाय भी नहीं है। आज्ञा है सभापति महाराज जी का, यहीं समाप्त करे, और दो शब्द बोल के जो श्लोक दे के शुरू किया है, भगवत भक्त का अंदर में तमाम सद्गुणों का खजाना है, तमाम सद्गुणों का खजाना है संत महात्मा का अंदर, और दुनिया का जितना आदमी है उन लोगों को सद्गुण रहने का क्या संभावना है। मनोरथेन असतो धावतो वही, इसका कभी सुयोग मिले तो व्याख्या करे। कभी ये नहीं समझना सिसिला भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी का अंदर में, सिसिला भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी का अंदर में जो गुणावली है महाराज, हमने देखा वो बाजार में वो व्यक्ति भी ऐसा गुणावली है, ऐसे ये इम्पोर्टेंट सिद्धांत हो। कभी आदमी ऐसा पॉइंट आउट करता है, महाराज वो महाराज का जो गुणावली उसका अंदर में ऐसा गुणावली, यू आर इडियट नंबर वन। इट सीम्स ये वो महाराज जी का गुणावली का साथ उसका गुणावली मिलता जुलता है बाहर दृष्टि में, लेकिन इसका गुणावली ये जड़ गुणावली है, ये अपरागित गुणावली है। जो भी है बाद में समय मिले तो चर्चा करने का साहस करेंगे। वांछा कल्पतरुष्य के पास सिंधु वजपति तानंग पावन भ्यो वैष्णव भ्यो नमो नमः।